नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला पंचायत स्थित पंडित मदनकांत झा संस्कृत महाविद्यालय में शनिवार 15 फरवरी को रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। जीविका द्वारा आयोजित इस मेला का उद्घाटन अनुमंडलाधिकारी दल सिंह सराय विष्णुदेव मंडल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर विजय कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। एसडीओ ने जीविका के कार्यों की सराहना की तथा कहा कि जीविका दीदियों के द्वारा किया जाने वाला हर एक कार्य प्रशंसनीय होता है। जीविका के बदौलत ही पिछले दिनों मानव श्रृंखला का सफल संचालन हो पाया है। जीविका द्वारा आयोजित इस रोजगार मेला में कुल 1219 प्रतिभागियों का निबंधन हुआ, जिसमें से 234 युवक युवतियों की भर्ती विभिन्न कंपनियों में कर ली गई है। स्वरोजगार के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के लिए 463 MRCT के प्रशिक्षण के लिए 102 अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया। दूसरी तरफ नवभारत फर्टिलाइजर, शिव शक्ति बायोटेक, होप केयर सर्विस भारत, समृद्धि इंडस्ट्रियल सर्विसेज, बालाजी सिक्योरिटी, SIS सिक्योरिटी, उर्वरा एग्रो नियोजक कंपनी आदि के काउंटर पर भी सैकड़ों बेरोजगार युवक तथा युवतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मौके पर रजनीश कुमार, मनोज कुमार मधुकर, गणेश पासवान, प्रशांत रंजन, कुणाल कुमार, प्राचार्य गिरेंद्र झा, कुमार गौतम सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। उसके बाद मुझे बिहार में भी अररिया खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में जीविका दीदियों के साथ रहने का मौका मिला था, लेकिन वैसा अनुभव यहां पर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज के इस मेला में मुझे आने का मौका मिला। मैं आज यह अनुभव कर रहा हूं कि यहां की जीविका दीदी भी हरियाणा से कम नहीं है। हम देख रहे हैं, चाहे वह शौचालय के निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे जल जीवन हरियाली, अभी जो मानव श्रृंखला बीता है उसमें आप लोगों ने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तभी हम लोग सफलता हम लोगों को मिली है। आज आप लोगों के द्वारा जो है रोजगार मिला है, रोजगार मिलेगा आपको अंदर से दुआ देंगे, इसी तरह आप कार्य करते रहे। और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार, अच्छी रोजगार लोगों को मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, यह प्लेटफॉर्म बहुत ही कम मिलता है। जो जिस टाइप से लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग को इस तरह का जो प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता है तो ये जब तक हम लोग जीविका यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी कंपनियां हमारे साथ काम कर रही हैं, यदि कोई भी आपके परिवार में आपके कोई भी बच्चे हो या पति हो, यदि वो चाहते हैं कि हम कुछ स्किल ट्रेनिंग लें या हमें तुरंत जॉब चाहिए, तो उसका चर्चा करके अपने समूह में, संगठन में चर्चा करके सूची कार्यालय तक दें, ताकि उनको सर समय ट्रेनिंग दिलवा करके उनको रोजगार का अवसर दिया जाए। ये काफी अच्छी पहल है और इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तभी तो पूरे जिले में 3300 लोग